हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो बहुत अच्छी एक अभी आउटिंग होने वाली है, तो कंटिन्यू रहिएगा। और कोरोना टाइम में अगर बाहर जाना है तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, बहुत तैयारी के साथ हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो मैंने जो तैयारी की है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपने लिए पानी की बोतल ली है, बिकॉज अगर हमें प्यास लगती है तो बाहर ऐसे ही हम कोई पानी नहीं पी सकते। इवन बोतल का भी अगर बिस्लेरी भी लेते हैं तो वो भी सेफ नहीं है, इसलिए अपने लिए पानी की बोतल अपने साथ रखिएगा। सैनिटाइजर साथ में रखना जरूरी है, तो मैंने सैनिटाइजर भी रख लिया है। उसको टाइम टाइम पे मैं अपने साथ हाथ सैनिटाइज करती रहूंगी। और मास्क, बाहर का माहौल क्या है मुझे नहीं पता है, मगर मैं अपनी पूरी तैयारी से बाहर निकलने वाली हूँ। तो चलिए, तैयारी तो मेरी पूरी हो गई है, अब बाहर चल के देखते हैं। सो गाइज, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मेरे घर के बाहर निकलते ही यहाँ पे टोल प्लाजा है। टोल गेट के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट स्टार्ट होती है, बट मार्केट डिफरेंट साइड है। उसको वहाँ उधर जाने के लिए हमें ब्रिज लेना पड़ेगा, तो ब्रिज की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यार, थक जाते हैं ब्रिज की सीढ़ियाँ लेने में। बट एक बार मैंने सोचा कि मैं विदाउट ब्रिज जाती हूँ, क्रॉस कर लूँगी रोड, बट यहाँ पे इतनी तेज़ गाड़ियों की स्पीड होती है कि मुझे तो लगा मैंने लाइफ में पहली गलती की। इसके बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, हमेशा ब्रिज से जाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था उस दिन मुझे चोट ज़रूर लगेगी, बट मैं भगवान की दुआ से बच गई। और फिर उस दिन से मैंने कभी भी ब्रिज के बगैर जाना नहीं सोचा, मैंने रोड क्रॉस नहीं की। तो कितनी भी ऊंची सीढ़ियाँ हों मैं ब्रिज से क्रॉस करती हूँ। और इधर आप देखिए, मारुति सुजुकी अरेना का ये शोरूम है, ये कॉमर्शियल एरिया है, तो यहाँ बहुत सारे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, तो बहुत प्यारा इनका व्यू है। इस एरिया में अभी ब्रिज से आपको देखने पे बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखेगा, सामने टोल गेट दिख रहा है जिधर से हम होके आए हैं अभी। और यहाँ पे मोस्टली लोग सुबह के टाइम में साइकिलिंग करते हैं, आपको बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हुए मिल जाएंगे। इवन संडे का और सैटरडे के टाइम में तो बहुत सारे ग्रुप में लोग साइकिलिंग करते हैं, चेन्नई से पौंडोचेरी वो लोग साइकिल से ही जाते हैं। तो मुझे चेन्नई की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे लोग साइकिलिंग प्रेफर करते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम में लाइक एक्सरसाइज वो लोग इसको लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा देखिए अच्छा लगता है ब्रिज से व्यू। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मेरे घर से भी आपको अक्सर मेरे टेरेस से, मेरे बालकनी से कई बार मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, बैकग्राउंड में दिखा है, तो घर के जस्ट नियरेस्ट ये भी है। और टच एंड ग्लो ये सैलून है यहाँ पे, तो लगभग 2 साल पहले तो मेरा यहाँ बहुत आना जाना रहता था, बट 2 साल से मैंने सैलून की शक्ल नहीं देखी है, और देखी है तो बस ऐसे ही बाहर से देखी है। कोरोना की वजह से मुझे भी अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है और डर के मारे खुद भी नहीं जा रही हूँ। तो ये मेरे घर के नियरेस्ट, जस्ट उसके बगल में आप देखिएगा एक गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे सब्जियाँ, इन ऐसी गाड़ियों में चेन्नई में यहाँ पे सब्जियाँ सेल होती हैं। तो जस्ट इसके आगे कैफ़े है, तो यहाँ पे जूस कैफ़े की एक ही शॉप होती है, तो सुबह यहाँ पे आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। ये सुपर मार्केट है, घर के नियरेस्ट 4-5 सुपर मार्केट हैं जहाँ से हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे, और ये यहाँ का लोकल यहाँ स्कूल है, ये तमिल स्कूल है, प्योर यहाँ पे तमिल ही, तमिल इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, हिंदी यहाँ पे ऑप्शनल होती है और हर स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाती है। तो ये भारत दास स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत मेरा बच्चा बहुत छोटा है, तो अभी मैंने स्कूल के बारे में ज़्यादा पता नहीं किया। ये दूसरी सुपर मार्केट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल पानी बिक रहा है, तो सुबह सुबह यहाँ पे लोग नारियल पानी लेके खड़े हो जाते हैं। सुबह सुबह नारियल पानी पीना बहुत हेल्दी होता है, मैं भी प्रेफर करती हूँ सुबह के टाइम में नारियल पानी पीना, जब भी वॉक पे निकलती हूँ नारियल पानी मैं ज़रूर पीती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर घर में नारियल के पेड़ लगे होते हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं कि घर पे इनके नारियल का पेड़ ज़रूर हो।
और इस तरह से काफ़ी ग्रीनरी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब चलते हैं रोड पे तो आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, खूब सारे पेड़ होते हैं। और आप ये घर देखिए, ये तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे इन्होंने अपने घर में पूरा पेड़ से इन्होंने घर को ढका है, और कितना प्यारा इनका इसकी वजह से व्यू है। बहुत सारे पेड़ इनके घर पे हैं। और आगे और बढ़ने पे आपको दूसरा नारियल का वेंडर मिल जाएगा, तो हर कदम पे यहाँ पे नारियल बेचने वाले होते हैं। और ये पेरुंगुड़ी का मार्केट गेट है, जहाँ से मार्केट की शुरुआत होती है। तो हम एग्ज़िट कर रहे हैं अभी, मैं आपको दूसरे साइड से इसका गेट दिखाती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल गेट है, पूरा ट्रेडिशनली तमिलनाडु कल्चर पे ये बना है, बहुत प्यारा लगता है। अदर साइड से आपको गेट दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है। और मोस्टली यहाँ पे जब कोई फंक्शन होता है तो इसको बहुत प्यारा डेकोरेट किया जाता है, बट 2 साल से कोरोना की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मेरा बहुत मन था कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी डेकोरेशन होती है, मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ, तो जब भी ऐसा होगा मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब नेक्स्ट मैं घर की ओर रिटर्न हो रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये मॉर्निंग टाइम का चेन्नई का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे, टिल देन बाय।